ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीए बार सेकंड और टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास में हमने इससे पहले खिलजी वंश और खिलजी वंश का अर्थ हमने देखा है बच्चों। खिलजी वंश और खिलजी क्रांति क्यों होती है उसको हमने आपको बताया है। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के थोड़े से परिचय को देखने के बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियान और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के 6 अभियान होते हैं, दक्षिण भारत के 4 अभियान होते हैं, 6 और 4 टोटल अलाउद्दीन खिलजी के 10 अभियान होते हैं। 10 अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ सफलता मिलती है और कहाँ असफलता प्राप्त होती है, इन सब तथ्यों पर आज हम आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ देखिए टॉपिक की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी का युद्धकालीन अभियान, यहाँ उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। उत्तर भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला अभियान होता है गुजरात, दूसरे नंबर का अभियान होता है रणथंभौर, तीसरे नंबर का अभियान होता है चित्तौड़ पर हमला, 4 नंबर का अभियान होता है मालवा प्रदेश पर हमला, 5 नंबर का अभियान होता है शिवाना पर हमला और 6 नंबर का अभियान होता है जालोर पर। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी नीति के तहत जो हमला होता है, यहाँ 6 उत्तर भारत के अभियान हैं, इसके बाद 4 अभियान दक्षिण भारत के अभियानों को देखेंगे हम। यहाँ गुजरात का राजा कौन होता है, गुजरात का राजा करण होता है। यहाँ रणथंभौर के राजा कौन होते हैं, रणथंभौर के राजा हमीर देव होते हैं। यहाँ चित्तौड़ के राजा कौन होते हैं, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह होते हैं। यहाँ मालवा के राजा कौन होते हैं, महालख देव होते हैं। शिवाना के दुर्ग रक्षक कौन होते हैं, यहाँ शीतल देव होता है। और जालोर के कौन होते हैं बच्चों, जालोर के कहनड़ देव होते हैं, कहनड़ देव होते हैं। यहाँ सबसे पहले 1297 ईस्वी में गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है। हमीर देव यहाँ 1301 में यहाँ पहुँच जाते हैं, 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग को हासिल कर लेते हैं। महालक देव 1305 होता है, शिवाना 1308-09 हो जाएगा और इधर आपके 1311 और 12। तुलनात्मक अध्ययन करने से हमें यहाँ स्पष्ट रूप से बच्चों ये पता चल जाता है कि किसके समय में कौन राजा था और किसके समय में समय काल में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी का इन प्रदेशों पर अधिकार होता है। तो गुजरात पर सब कौन, दो सेनापति नुसरत खान और उलूग खान जाते हैं। करण को देवनगरी में शरण लेना होता है। रणथंभौर राजपूताना का एक राज्य होता है और यहाँ ये सवाई माधोपुर ज़िले में होता है। कौन से ज़िले में होता है, सवाई माधोपुर ज़िले में होता है बच्चों। यहाँ का राजा हमीर देव होता है। रणथंभौर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, निरंतर प्रयास के बाद स्वयं अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आते हैं। आएंगे बच्चों और अलाउद्दीन खिलजी छल कपट और धोखे से यहाँ राजपूतों को पराजित करेंगे। राजपूत अपनी आन बान शान के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। आपने देखा ना बच्चों कि राजपूत जो है वो कहते हैं कि हम अपना सर कटा सकते हैं, हम अपना सर झुका नहीं सकते हैं। तो यहाँ हमीर देव
और वीर गति को प्राप्त होते हैं, और हमीरदेव के बाद जो यहाँ की महिलाएं और हमीरदेव की पत्नी और यहाँ की अन्य वीरांगनाएं जौहर करती है, राजपूत केसरिया करते हैं। रणथंभौर का जो ये अभियान होता है 1301 में, ये राजपूताना के इतिहास में, ये राजस्थान के इतिहास में ये पहला जौहर कहलाता है। यहाँ हम चित्तौड़ के रतन सिंह की बात करते हैं, इतिहास अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था, विद्वानों में इसको लेकर मतभेद होता है। कुछ विद्वान के अनुसार ये कहा जाता है कि रानी पद्मिनी की जो कहानी है वो सत्य है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हमला किया था, और कुछ विद्वान कहते हैं कि रानी पद्मिनी का जो इतिहास है वो सत्य नहीं है। तो जो विद्वान ये कहते हैं कि रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनमें से विद्वान है के एस लाल की किताब का नाम होता है यहाँ पे खिलजी वंश का इतिहास। क्या नाम होता है बच्चों? खिलजी वंश का इतिहास। के एस लाल के ग्रंथ का नाम खिलजी वंश का इतिहास होता है। और हीराचंद गोरी शंकर ओझा इनके ग्रंथ का नाम होता है, क्या नाम होता है बच्चों? इनके ग्रंथ का उदयपुर का इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम होता है। के एस लाल है विद्वान यहाँ पे, गौरी शंकर ओझा है यहाँ पर। ये दोनों विद्वान कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए युद्ध नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया था, और रतन सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, रणथंभौर के हमीरदेव ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, गुजरात के कर्ण यहाँ पहले से ही पराजित हो गए थे, और यहाँ मालवा के ये दो विद्वान जो हैं बच्चों, जिन्होंने रानी पद्मिनी के इतिहास को सही नहीं माना है। इसके अलावा आशीर्वाद लाल है, ईश्वर प्रसाद है, आरएस शर्मा है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये अभियान किया था। श्रीवास्तव है, ये तीन विद्वान हैं। पहला विद्वान कौन बताया मैंने बच्चों? ईश्वर प्रसाद बताया। दूसरा विद्वान कौन सा आता है? श्रीवास्तव आते हैं। तीसरे विद्वान कौन आते हैं? आरएस शर्मा आते हैं। ये विद्वान कहते हैं कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हमला किया था। यहाँ मालवा में मालक देव और इनके एक पीएम होते हैं, इनके पीएम का नाम क्या है? कोका प्रधान। यहाँ मालक देव और कोका प्रधान ये यहाँ बच्चों पराजित हो जाते हैं, और मालवा के राजा महालक देव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ देखिए शिवाना में राजपूताना का एक दुर्ग है जो अपने आप में फेमस माना जाता है। यहाँ शिवाना पहाड़ी पर ये दुर्ग बना हुआ है, यहाँ के रक्षक शीतल देव है। ऐसा कहा जाता है कि शीतल देव का शरीर हाथी के समान होता है, और जब शीतल देव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो इनके सिर को काट के सुल्तान को दिखाया गया, दरबार में पेश किया गया। सभी लोग शीतल देव के सिर को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और शिवाना पर 1308 और 9 में अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकार कर लेते हैं। यहाँ राजपूत केसरिया धारण करते हैं, और राजपूत महिलाएं यहाँ पर जौहर करती है बच्चों, और ये
यहाँ का गवर्नर किसको नियुक्त कर दिया जाता है? कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ शिवाना का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। चित्तौड़ में किसको गवर्नर नियुक्त किया जाता है? चित्तौड़ में खिजर खान को नियुक्त किया जाता है। चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है बच्चों? खिजराबाद रख दिया जाता है। यहाँ रणथंभौर में हमीरदेव के बाद यहाँ रणथंभौर पर मुसलमानों का गढ़ बन जाता है ये, और शिवाना का कमालुद्दीन गुर्ग को गवर्नर बना दिया जाता है। जालौर में 1311-12 में अलाउद्दीन खिलजी अपना अधिकार कर लेते हैं। यहाँ उलू खान पहले आते हैं, कमालुद्दीन गुर्ग आते हैं, इनके जब बस की बात नहीं होती है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं यहाँ आते हैं और यहाँ आगे अपना शिविर लगाएंगे। और मुसलमानों की जैसी परंपरा है छल कपट करने की, छल कपट और राजनीति से जालौर के दुर्ग में पहुंचने का एक शॉर्ट तरीका होता है, उस शॉर्ट तरीके से ये दुर्ग में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद वहाँ दरवाजे, इनको दुर्ग के दरवाजे खोलने के लिए विवश होना पड़ता है। राजपूत लोग अब कट कर बलिदान होना उनको स्वीकार था, अधीनता करना उनको स्वीकार नहीं था। राजपूत महिलाएं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए मरना उनको स्वीकार था, लेकिन मुसलमानों के हाथ लगना उनको स्वीकार नहीं था। यहाँ की महिलाओं ने जौहर किया था, राजपूतों ने केसर किया था और राजपूत कट कर बलिदान हो गए थे। यहाँ कहनरदेव वीरगति को प्राप्त हुआ था। यहाँ ये गढ़ जो राजपूतों का जो था, इस दुर्ग के ऊपर मुसलमानों ने अपना झंडा लगा दिया था, इस्लाम धर्म की जय जयकार कर रहे थे। यहीं पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको तोपखाना मस्जिद कहते हैं बच्चों। उसको कौन सी मस्जिद कहते हैं? उसको तोपखाना मस्जिद के नाम से जाना जाता है, तोपखाना मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यहाँ राजपूताने पर अधिकार हुआ किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। मैंने आपको पहले बताया था बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी पूरे विश्व पर अधिकार करना चाहता था। वो चाहता था कि जिस तरह सिकंदर पूरे विश्व पर अपना अधिकार करना चाहता था, पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में करके पूरे विश्व का शहंशाह बनने का उसका सपना होता था, सिकंदर ऐसा कर नहीं पाया था। सिंध प्रदेश में पौरस का युद्ध हुआ था और वहाँ बेबीलोनिया में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे मरने के बाद मेरे हाथों को लटका दिया जाए, जिससे ये ऐसा प्रतीत होता रहेगा जनता को, लोगों को, संसार को ये पता चलेगा कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सिकंदर महान ने ये कहा था। बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो थी वो यहीं मिट्टी में, यहीं पे उनका जन्म हुआ था, यहीं पे वो मिट्टी में मिल गई बच्चों। यहाँ हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का भी यही सपना होता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति होते हैं अल्लाह उल मुल्क, वो कहते हैं कि वो उनको एडवाइस देते हैं, पहले आप भारत को, जो भारत में दिल्ली सल्तनत से जो स्वतंत्र राज्य है, ऐसे स्वतंत्र राज्यों को उन पे जीत हासिल करो, पहले उन पे जीत हासिल करना ज़रूरी है और बाद में हम विश्व विजय की सोचेंगे। अगर हमने भारत को ही अपने अधीन कर लिया और भारत में ही अपने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, उसके बाद हम जो है विश्व में, उत्तर पश्चिम के, मध्य एशिया के प्रदेश, यूरोप के बारे में हम बाद में सोचेंगे। और अलाउद्दीन अल्लाह मुल्क की बातों से सहमत होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही क्रांतियाँ होती है, आमूलचूल क्रांति होती है, बाजार व्यवस्था की स्थापना होती है, भवन निर्माण कला के क्षेत्र में प्रगति होती है, नए नए प्रदेशों को जीता जाता है। इससे पहले दक्षिण भारत के राज्यों पर किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ही है बच्चों जो दक्षिण भारत में जाने की हिम्मत रखते हैं। और दक्षिण भारत में जाकर इन्होंने प्रवेश किया था और चार राज्यों पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया है, लेकिन उनको आज़ाद कर दिया था। चार राज्य कौन से हैं और दक्षिण भारत के
और इधर उत्तर भारत के 6 राज्यों पर इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया था और दक्षिण भारत के 4 राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। उत्तर भारत के अभियानों को देखने के बाद बच्चों अभी मैं आपको दक्षिण भारत के 4 राज्यों का भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये उत्तर भारत के 6 राज्यों को अभी हमने अच्छे से देख लिया है और इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के 4 अभियान कौन कौन से हैं, 4 अभियानों को हम देखेंगे। तो पहला अभियान कौन सा है, दूसरा अभियान कौन सा आता है और तीसरा अभियान कौन सा आता है। तो यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास में और दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने ना केवल उत्तर भारत के राज्यों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया बल्कि दक्षिण भारत पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यहाँ देखिए पहले नंबर पे, ये पहला नंबर देवगिरी राज्य आता है, दक्षिण भारत का पहला राज्य आता है। दक्षिण भारत का दूसरा राज्य वारंगल आता है। दूसरा कौन सा आता है बच्चों, वारंगल आता है। तीसरा राज्य कौन सा आता है यहाँ, तीसरा राज्य कौन सा आता है, होयसल आता है बच्चों, होयसल आता है। चौथा राज्य कौन सा आता है, द्वार समुद्रम आता है। दक्षिण भारत के कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। देवगिरी राज्य का राजा कौन होता है, वारंगल का राजा कौन होता है, होयसल वंश का राजा कौन होता है, द्वार समुद्रम का राजा कौन होता है। देवगिरी राज्य का राजा कौन होता है बच्चों, राजा करण होते हैं। ये कौन होते हैं, राजा करण होते हैं। वारंगल के राजा कौन होते हैं, प्रताप रुद्रदेव होते हैं। होयसल के कौन होते हैं, वीर बल्लाल होते हैं। द्वार समुद्रम के कौन होते हैं, वीर पांडे होते हैं। इस तरह राजा करण होते हैं देवगिरी के, वारंगल के होते हैं प्रताप रुद्रदेव, होयसल के होते हैं वीर बल्लाल, द्वार समुद्रम के होते हैं वीर पांडे। टोटल कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। टोटल राजा कितने हैं, 4 राजा हैं। यहाँ देवगिरी में राजा करण को पराजित करने के लिए कौन जाएगा, मलिक काफूर जाता है। वारंगल में कौन जाता है, मलिक काफूर जाते हैं। होयसल में कौन जाते हैं, मलिक काफूर जाते हैं। द्वार समुद्र पर अलाउद्दीन खिलजी की ओर से हमला करने के लिए कौन जाते हैं, मलिक काफूर जाते हैं। चारों जगह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जाता है। मलिक काफूर इनको गुजरात विजय से प्राप्त हुआ था। गुजरात में नुसरत खान, उलुग खान, ये 2 सेनापति गए थे और गुजरात के राजा को पराजित किया था। यहाँ देवगिरी के राजा रामचंद्र हैं बच्चों, रामचंद्र देव देवगिरी के राजा होते हैं। गुजरात के राजा राजा करण होते हैं। राजा करण पराजित हो जाते हैं और वहाँ एक भारत का, उस दौर के अंदर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है, खंबात का बंदरगाह पर नुसरत खान और उलुग खान अपना अधिकार जमा लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का उस बंदरगाह पर अधिकार हो जाता है। वहाँ उनको 1000 दीवानी में एक विश्वास पात्र योग्य 1000 दिनारी मिलता है। 1000 दिनारी उसको अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया जाता है। 1000 दिनारी को जब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पेश किया जाता है बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी उससे बहुत खुश होते हैं
और उसका नाम पूछते हैं, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे तो हजार दीवानी कह हजार दिनारी कहते हैं, सब लोग मुझे हजार दिनारी कहते हैं, मैं हजार दिनारी में खरीदा गया हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, नहीं, तुम योग्य हो, तुम सौ के बराबर एक हो। तुम ऐसा करो, आज से तुम्हारा नाम मलिक मलिक काफूर नाम होगा, मलिक काफूर नाम होगा। और इनका इसका नाम क्या रखा, मलिक काफूर रखा। मलिक काफूर यहाँ दक्षिण भारत के चारों अभियानों में जाते हैं, कहाँ कहाँ मलिक काफूर को सफलता प्राप्त होती है, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ तुलनात्मक अध्ययन से आपको बता रहा हूँ। बच्चों, यहाँ मलिक काफूर देवगिरी राज्य में रामचंद्र देव के पास में ये जाते हैं। दक्षिण भारत के अभियानों में कब कब और कौन सी जगह पर युद्ध होता है, 1307 ईस्वी में मलिक काफूर यहाँ देवगिरी राज्य पर हमला करते हैं, 1309 ईस्वी में वारंगल राज्य पर हमला करते हैं, 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर हमला करते हैं, और द्वार समुद्र में 1310-11 में हमला किया जाता है। यहाँ देवगिरी राज्य की राजधानी कौन सी होती है, इनकी राजधानी देवगिरी ही होती है। बच्चों, यहाँ वारंगल की राजधानी कौन सी है, वारंगल यहाँ वंश होता है काकतीय वंश, यहाँ कौन सा वंश होता है, काकतीय वंश होता है, और काकतीय वंश की राजधानी कौन सी है, वारंगल राजधानी होती है। वंश का नाम क्या है, काकतीय वंश है, और राजधानी कौन सी है, वारंगल यहाँ की राजधानी होती है। यहाँ से आगे हम देख रहे हैं बच्चों, होयसल वंश की राजधानी का नाम क्या होता है, द्वार समुद्रम होता है। यहाँ होयसल वंश के बाद द्वार, यहाँ बच्चों पांडेय वंश है, ये कौन सा वंश है, पांडेय वंश। इस पांडेय वंश की राजधानी क्या है, मदुरा। पांडेय वंश की राजधानी कौन सी होती है, मदुरा। थोड़ा सा करेक्शन करने के बाद हमने यहाँ देखा, सबसे पहला वंश देवगिरी वंश है, दूसरा हमने काकतीय वंश है, तीसरा होयसल वंश है, और चौथा पांडेय वंश है। यहाँ देखिए, देवगिरी वंश की राजधानी देवगिरी के नाम से ही जानी जाती है। यहाँ देखिए, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल मानी जाती है। यहाँ देखिए, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम होती है। यहाँ पांडेय वंश की राजधानी मदुरा होती है। यहाँ देवगिरी वंश के राजा रामचंद्र होते हैं। यहाँ काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र देव होते हैं। और यहाँ होयसल वंश के राजा वीर वल्लाल होते हैं। और यहाँ पांडेय वंश के राजा वीर पांडे होते हैं। यहाँ चार अभियान किए थे मलिक काफूर ने, देवगिरी पर हमला किया था, देवगिरी के राजा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, रामचंद्र देव ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। रामचंद्र देव ने बच्चों हीरे मोती चांदी की बोरी भर दी थी पूरी, और इतना सारा धन दिया कि बहुत मलिक काफूर बहुत खुश हुआ, और बोरियाँ भर भर के कहाँ पहुँचाई, दिल्ली दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के पास में पहुँचाई। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, इतना धन किसने दिया, तो कहा कि रामचंद्र देव ने इतना सारा धन दिया कि रामचंद्र देव को दरबार में बुलाया जाए, रामचंद्र देव का तो स्वागत किया जाएगा। रामचंद्र देव इतने उदार हृदय के हैं, रामचंद्र देव को दरबार में बुलाया गया, सारे दरबार के मंत्री बैठे हुए थे, सारे मंत्रियों के सामने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि प्रदान की गई कि भाई तुम तो राजाओं के राजा हो। राय रायन की उपाधि प्रदान की गई थी अलाउद्दीन खिलजी ने,
दक्षिण भारत के ऐसे कौन सा राजा था जिसको राय रायन की उपाधि प्रदान की गई थी? राय रायन की उपाधि प्रदान की गई थी, रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि से विभूषित किया गया था। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यहाँ अलाउद्दीन खिलजी इनके देवगिरी वंश के राज्य को अब दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, इनको स्वतंत्र ही रहने दिया। और ये कहा कि अच्छा तुम ऐसा करना, साल में हमें वार्षिक कर देते रहना। यहाँ मलिक काफूर आगे बढ़कर 1309 में काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव पर हमला करते हैं। प्रताप रुद्र के पास भी हीरे मोती चांदी जवाहरात खूब मिला, उसमें तो एक बहुमूल्य उपहार मिल गया था मलिक काफूर को। मलिक काफूर ने जब उस बहुमूल्य उपहार को देखा तो उसकी देख कर उसको इतना आश्चर्य हुआ इतना कि ये क्या चीज़ है। और अपने सुल्तान को अलाउद्दीन खिलजी को ले जाकर दिखाया तो वो जो था बहुमूल्य उपहार, वो बच्चों क्या था? वो कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा। दक्षिण भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा राजा था जिससे अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा मिला था? वो राजा प्रताप रुद्रदेव था। और कोहिनूर हीरा मिल गया बच्चों। ये कोहिनूर हीरा दक्षिण भारत में कौन सी जगह से निकाला गया था? ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कौन सी खान से निकाला गया था? ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यहाँ होयसल वंश है, फिर यहाँ से मलिक काफूर 1310 में होयसल वंश में आते हैं और यहाँ वीर बल्लाल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। हीरे मोती चांदी जवाहरात लेकर यहाँ से मलिक काफूर सुल्तान के पास में जाता है। सुल्तान बहुत बहुत खुश होते हैं बच्चों, बहुत खुश होते हैं। और फिर बाद में वन ईयर बाद पांडे वंश की राजधानी मदुरा पर ये हमला करेंगे। यहाँ ऑलरेडी उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा होता है और यहाँ वीर पांडे, यहाँ पर मलिक काफूर अपनी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, यहाँ उनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पांडे वंश के राजाओं ने खूब सारा धन दिया कि आप धन ले जाइए यहाँ से, आप खूब सारा पैसा ले जाइए यहाँ से, हीरे मोती चांदी जवाहरात दिए। हालांकि यहाँ पर इनको अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भारत पर 4 अभियान किए थे और 4 में से बच्चों या 3 में तो 3 राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। कितने 3 राजाओं ने अधीनता स्वीकार की थी? पहला, दूसरा और तीसरा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है बोर्ड पे अच्छे से। और पांडे वंश के राजा ने अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं। ये इस तरह दक्षिण भारत के कितने अभियान हैं? 4 अभियान हैं। ये 4 अभियान के बाद अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं बच्चों कि कालांतर में ऐसा होता है कि जिसको अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में बुलाए थे, दरबार में सारे मंत्री बैठे हुए थे, सारे मंत्रियों के सामने उनको एक बहुत बड़ी उपाधि से विभूषित किया था, बहुत बड़ी उपाधि राय रायन की उपाधि दी थी। ऐसे प्रसन्न जो थे, अब उनका देहांत हो गया था, उनके बेटे शंकर देव अब यहाँ देवगिरी में सिंहासन पर आसीन होते हैं। शंकर देव जब आसीन होते हैं तो उन्होंने ऐसे नियम निकाल दिए कि हम आज़ाद हैं, राजपूतों की परंपरा पर ये चले थे, और कि नहीं, हम भी अपना सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर को झुका नहीं सकते हैं। वो राजपूतों वाला खून इनमें भी दौड़ रहा था। यहाँ ये शंकर देव ने आज़ाद कर दिया अपने आप को, हम आज़ाद राजा हैं, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, हमारी स्वतंत्रता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर अपने सेनापतियों को भेजा। शंकर देव के साथ युद्ध हुआ था, शंकर देव पराजित हो गए थे, शंकर देव को दूसरी जगह जाना पड़ा। और यहाँ देवगिरी को अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जिस राज्य को हमने इतना हमने उनके पिता को सम्मान दिया, हमने उस राज्य से केवल टैक्स ही तो ले रहे हैं हम। अलाउद्दीन ने कहा कि हम तो केवल टैक्स ही तो ले रहे हैं बच्चों, हम उनसे साल का टैक्स ले रहे हैं,
वो हमारे अधीन है, हमसे मित्रता रखते हैं, और क्या चाहिए, हमने उनके राज्य का कभी विलय नहीं किया, हमारे सामने आवाज़ उठाने वाले ये शंकर देव कौन होते हैं। और इस तरह शंकर देव को वहाँ से पलायन होना पड़ा और इस राज्य को दिल्ली सल्तनत में विलय किया गया। पहले स्वतंत्र रखा गया था लेकिन अब इसको विलय किया गया। विलय का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत में इसको शामिल कर लिया। तो यहाँ हमने निष्कर्ष रूप से देखा तो हमने ये इस निष्कर्ष निकाला है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत में कितने अभियान थे, 6 अभियान थे। दक्षिण भारत में कितने अभियान थे, 4 अभियान थे। टोटल कितने अभियान हो गए बच्चों, 10 अभियान हो गए थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का पहला अभियान कौन सा था, गुजरात का अभियान था। अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान कौन सा था, देखा जाए तो अंतिम अभियान वापस देवगिरी वाला ही आता है, और वैसे देखा जाए तो पांडे वंश का मदुरा आता है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ना केवल युद्धों में ही माहिर थे, ना केवल नए प्रदेशों को जीता था, बल्कि इनकी बाजार व्यवस्था भी है बच्चों, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और आगे कल हम एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का विश्लेषणात्मक तथ्यात्मक रूप से जैसे तुलना यहाँ पर की थी वैसी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। चावल का भाव क्या होता है, गेहूं का भाव क्या होता है, बाजरे का क्या होता है, जौ का क्या होता है, कपड़े का बाजार अलग था, सारे बाजार अलग अलग बाजार होते थे, अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत होती थी, ऐसा अलाउद्दीन ने क्यों किया था, क्या सैनिकों को देने के लिए वेतन नहीं था, क्या राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इन सब चीज़ों पर हम आपसे कल आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।